रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया आपने। जी तो अगली कैटेगरी हमारे डेट एंड टाइम की कैटेगरी है, जहां आप सीखेंगे किस तरह से डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन होते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि हम डेट लिखते कैसे हैं। तो देखिए डेट का सेटिंग होता है डीडी एमएम वाईवाई एमएम डीडी वाईवाई। अभी डीडी एमएम क्या है ताकि आप, जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूं डेट, तो मैंने लिखा एमएम एमएम डीडी, जैसे कि आज 26 है 26, ये हो गया एमएम डीडी, क्योंकि ये आपका हमारा सिस्टम इंस्टॉल करते समय जो हमने टाइम जोन सेलेक्ट कर रखा है और जो ओरिजिनल सेटिंग कर रखा है वो कर रखा है यूएस बेस्ड पे, इसलिए यहाँ पहले महीना और फिर दिन लिखेंगे, समझ गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना ओरिजिनल सेटिंग जो है एमएम वाईवाई नहीं डीडी वाईवाई, जो इंडियन डेट स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो टाइप के समय ध्यान रखिएगा। दिक्कत क्या हुआ कि मान लीजिए कि मैंने लिखा यहाँ पे 1 दिसंबर, ठीक है 1 दिसंबर, तो मेरे पीसी पे 1 दिसंबर है क्योंकि मेरा पीसी है एमएमडीडी वाईवाई, और आपका पीसी अगर डीडी एमवाईवाई है तो आपके पीसी में डेट हो जाएगा 12 जनवरी, क्योंकि मेरे पीसी का मंथ आपका डेट बन जाएगा और मेरा डेट आपका मंथ बन जाएगा। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन यह है कि हम डेट फॉर्मूले में डालें 2018, मंथ डालता हूं 12 और 1 या जो 26 है जो भी है, तो आपके अब क्या होगा कि हर पीसी पे चाहे डेट का फॉर्मेट कुछ भी हो वहां आपको डेट आपका 1 दिसंबर ही दिखेगा, समझ गए। और इसलिए आप जितने भी वेबसाइट्स हैं इंटरनेशनल वेबसाइट्स जैसे गूगल हो गया और बाकी वेबसाइट्स हैं, वहां पे MMDDYY अलग अलग सेल्स में लेते हैं, अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में लेते हैं, ठीक है सर। अलग अलग ही बात नहीं, तो मेरे पास डेट है आपके सामने, मैं इसमें से अलग करना चाहता हूं, मैं जैसे ये वाई अलग करना चाहता हूं, मंथ अलग करना चाहता हूं और डी अलग करना चाहता हूं। तो हमारे पास एक ईयर का फॉर्मूला है जो किसी पर्टिकुलर डेट में से ईयर को स्ट्रैक, सिर्फ ईयर स्ट्रैक करती है, जैसे 2018 स्ट्रैक कर दिया, और हमारे पास महीना है मंथ का जो कि किसी पर्टिकुलर डेट से सिर्फ मंथ को अलग करती है, और एक हमारे पास फॉर्मूला है डे का जो कि सिर्फ डे को अलग करती है, और डेट फॉर्मूला है जो आपस में सबको कंबाइन कर देता है, ठीक है, ईयर मंथ एंड डे। समझ में आ गया आपको सर? जी। इसमें आगे बढ़े, हमारे पास फॉर्मूला है टुडे का जो कि करेंट सिस्टम डेट देता है, और सिस्टम डेट चेंज होते ही एक चेंज भी हो जाता है, जैसे कि आज अगर 26 तारीख है, कल मैं तारीख खोलूंगा तो कल 27 तारीख होगा, तो 27 तारीख मतलब कि जो सिस्टम का डेट है इस डेट पे चलता है, समझ गए। अब बात करते हैं डेट के ऊपर कुछ एडिशंस का। मैं चाहता हूं इस डेट में 20 दिन जोड़ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप डेट लीजिए और डेट में 20 डेज ऐड कर दीजिए, आपका डेट ऐड होके आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे कि मैं याद होगा जब मैंने आपको कस्टम फॉर्मेटिंग या फिर पेस्ट जो वैल्यू पढ़ाया था तो बताया था कि हर डेट एक नंबर होती है, नंबर ऑफ डेज होता है, तो जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेशन होता है, और रिजल्ट भी हमारा नंबर ऑफ डेज के हिसाब से ही आता है, ठीक है सर जी।
उसी तरीके से मान लीजिए कि हमें एक पर्टिकुलर डेट में 3 महीने जोड़ने हैं, तो यहाँ आप अगर 3 को 90 से मल्टीप्लाई, 3 को क्या बोलते हैं 30 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दो तो रिजल्ट आपका गलत आएगा, एक दो दिन गलत आया, हर महीना का दिन अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपका अच्छा हुआ कि आप ई डेट का फॉर्मूला लगाए, ई डेट द स्टार्ट डेट और ये मंथ, तो महीने को जोड़ेगा, आपका डेट फिक्स है, आपका डेट अगर मान लीजिए आपने डाला हुआ है 26, तो 26 हमेशा फिक्स रहेगा, सिर्फ वो महीने में ऐड करेगा, ठीक है सर। अगर माइनस करने हो तो -3 कर दे तो माइनस हो जाएगा, +3 करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो ई डेट समझ में आ गया। अब ई डेट के बाद आता है कि मुझे डेट में 2 साल 3 महीने और 26 दिन ऐड करने। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, ध्यान रखिए इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ऊपर जो हमने अभी किया कि हमने पहले अलग किया फिर कंबाइन किया, इस मेथड को ले सकते हैं। कैसे देखिए, डेट हमने इस डेट में से ईयर को निकाला और उस ईयर में हमने प्लस कर दिया 2, फिर मैं मंथ का फॉर्मूला लगाया, इसमें से मंथ को अलग किया, इसमें प्लस कर दिया 3, फिर डे को अलग किया और इसमें डे कर दिया +26, ठीक है सर। एंटर मारिए, रिजल्ट आपके सामने एग्जैक्ट डेट आएगा, क्लियर है, बताओ इसमें नहीं। तो डेट में किसी भी तरह का एडिशन आपको आ गया? अब इसमें हम बात करते हैं रिलेशन कि मुझे बिटवीन 2 डेट्स के अंदर में डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस इन द डेट चाहिए आपको, तो आप लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कर देंगे तो रिजल्ट आएगा, या फिर आपके पास एक डेज नाम का फॉर्मूला है उसमें भी आप एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। अब मुझे नंबर ऑफ डेज में ही रिजल्ट चाहिए, बट मैं सैटरडे एंड संडे को इग्नोर करना चाहता हूं, तो उस केस में नेटवर्क डेज का फॉर्मूला है उसको लगाइए, स्टार्ट डेट एंड डेट, और सैटरडे संडे के अलावा अगर कोई होलीडे लिस्ट है जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे जो गेस्टेड होली लेट है वो भी रखोगे तो सिलेक्ट करोगे तो उसको भी वो कंसीडर नहीं करेगा, आपको एग्जैक्ट वर्किंग डेज देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी कंपनी सैटरडे संडे बंद नहीं होती है, फ्राइडे सैटरडे होती है या ऑफिस संडे होती है, तो उसके लिए हमारे पास networkdays.intl मतलब कि इंटरनेशनल है, उसको हम स्टार्ट डेट एंड डेट, और यहाँ पे आपको चूज देता है कि आपका वीकेंड क्या है, तो आप अपना वीकेंड को चूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने चूज कर दिया जहां पे 11 पे गया और टैप प्रेस किया तो 11 आ गया। उसके अलावा होलीडे लिस्ट अभी ऑप्शनल है, डालना है डालिए, नहीं डालना नहीं डालिए, ठीक है जी। और ब्राइकन हम कर दिया, आ गया सर जी। उसके बाद मान लीजिए कि मैंने आज डेट डाला, आज मैंने मान लीजिए कोई सर्विस बुक किया है, मान लीजिए कुरियर बुक किया है, और कंपनी कहता है कि जो तो कुरियर है एक कुरियर आपको 10 दिन में आएगा, 10 वर्किंग डेज में, ठीक है। तो 10 वर्किंग डे बाद कौन सा डेट होगा वो पता करना है हमें।
अगर छुट्टी सैटरडे संडे होती है तो आप वर्क डे ले, स्टार्ट डेट एंड डेट, स्टार्ट डेट नंबर ऑफ डेज और हॉलीडे लिस्ट देना दे दीजिए। तो सैटरडे संडे छुट्टी हुई तो 9 जनवरी 2019 तक पहुंचेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि मंडे टू मतलब कोई और छुट्टी हुआ तो आप उसके लिए लगाएंगे workday.intm, स्टार्ट डेट नंबर ऑफ डेज और यहाँ पे अपना वीकेंड को सिलेक्ट करेंगे जैसे आपने network.intm में किया था और फिर यहाँ पे होली लिस्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपका डेट पता चल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि दो डेट का डिफरेंस हमने नंबर ऑफ डेज में निकाला, अब मुझे क्या है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डेज चाहिए। फाइनेंशियल ईयर मतलब तो ये फाइनेंशियल ईयर का डे जो मंथ होता है वो मंथ जो सॉरी फाइनेंशियल ईयर का जो डे होता है वो 360 होता है, 365 नहीं होता है। एक फाइनेंशियल ईयर में 360 दिन होते हैं, 5 दिन जो होता है लेजर मेंटेन और ब्लैंक शीट ट्रायल शीट तैयार करने के लिए कंपनी रिजर्व रखती है। तो यहाँ पे डेज 360 नाम का फॉर्मूला है आपके सामने। तो स्टार्टिंग और एंटर मारिए तो 355 दिन हुए हैं, 359 दिन ऐसे हुए थे, यहाँ 355 दिन। ठीक है सर, अब अभी तक जो हमने डिफरेंसेस निकाले और डेज में निकाले ना, मुझे महीने में निकालने हो तो मान लीजिए कि किसी बंदे का डेट ऑफ बर्थ दस 1990 आज का डेट ये, मुझे इसकी एज निकालनी है, एज इन द ईयर, एज कंप्लीट एज। कुछ लोग क्या करते हैं कि लेटेस्ट डेट को, बहुत से लोगों ने देखा मैंने कि लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट और इसको वो डिवाइड कर देते हैं 365 में, बोलते हैं 28 साल लगभग है, लेकिन ये तो लगभग हुआ ना। मुझे एज चाहिए कंप्लीट ईयर, कितने साल कितने दिन महीने और कितने दिन। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ईयर का, सॉरी इसका डेटेड इफ का, डेटेड इफ बिल्कुल हम लोग डेटेड इफ करते हैं लेकिन होता है डेट डिफरेंस, डेट DATDIF, लेकिन बहुत सारे हम बोल सब डेटेड इफ करते हैं लेकिन डेट डिफरेंस नाम है DIF में डिफरेंस। स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और उसके बाद आपको ईयर चाहिए ना, तो आप इन्वर्टेड कॉमा में वाई लिखेंगे तो दोनों डेट के बीच का जो डिफरेंस है एक डिफरेंस आ जाएगा। फिर डेट इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और इसमें मैंने मान लीजिए मंथ चाहिए, उसे एम कर दिए तो एज इन मंथ आ जाएगा, लेकिन मुझे मंथ वो चाहिए जो 28 साल के बाद का है तो यहां पर लिखेंगे वाई एम, मतलब ईयर के बाद का जो मंथ है वो मंथ शो कर दो। तो यहाँ पे देखिए शो कर दिया कि 2 महीने और सेम डेटेड इफ डेट डीएस और मैंने स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और हमने क्या कर दिया इसमें MD कि महीने के बाद जो डेट है वो डेट शो कर दो तो आपके पास 16 दिन। तो डिफरेंस महीने से महीने में चाहिए तो आप M कर दीजिएगा तो महीने में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 256 दिन है, मुझे चाहिए कि कितना महीना हुआ तो मैं यहाँ पे डेट DIF फॉर्मूला लगाऊंगा और हम स्टार्ट डेट कॉमा
एंड डेट और यहाँ पे डी आई एम सॉरी सॉरी एम एम तो यहाँ पे आ जाएगा 11 आ गया ठीक है सर जी कोई डाउट इसमें नहीं तो डेट की कैलकुलेशन आ गई आपको हाँ जी तो इस पे प्रैक्टिस कीजिए कल हम आपको डेट की कैलकुलेशन में कुछ और आगे देंगे साथ में देंगे आपको एक टेस्ट जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे डेट एंड टेक्स फॉर्मूले से रिलेटेड ताकि आप प्रैक्टिस कर सके कि हाँ आपने कितना डेट एंड टेक्स फॉर्मूले को सीखा है ठीक है कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है आपके पास नहीं ठीक है सर Thank you.